नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। मैं मेरे चैनल पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, नए कार्स, नए बाइक्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपके मन में मेरे वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आपके सवालों का पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आज हम होंडा एक्सब्लेड BS6 के बारे में बात करेंगे। कुछ ही दिन पहले होंडा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसका इंजन जो आता है वो 162.17 cc का BS6 फोर स्ट्रोक SOEC सिंगल सिलेंडर वाला इंजन आता है, जो कि 13.7 BHP का मैक्स पावर निकलता है 8000 RPM पे, और 14.7 Nm का टॉर्क निकलता है 5500 RPM पे। इसके इंजन के बारे में और कुछ खास बात किया जाए तो इसके इंजन में नीडल बियरिंग रॉकर आर्म आता है, जो कि फ्रिक्शन को घटाता है और इंजन का जो पावर डिलीवरी है वो भी बहुत लीनियर कर देता है। इसके इंजन में इंटीग्रेटेड काउंटर वेट बैलेंसिंग सिस्टम भी आता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन थोड़ा और कम हो गया। सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स दिया गया है 33 mm के, और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसका और एक खास बात है कि अब इसमें किल स्विच दिया जाता है। आखिरकार होंडा ने किल स्विच दे ही दिया। खैर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी होंडा के गाड़ियों में किल स्विच नहीं आता था, इसलिए कस्टमर्स की कंप्लेन रहती थी। तो होंडा ने कस्टमर्स की सुन ली, तो ये अच्छा बात है। इसके कुछ और फीचर्स की बात किया जाए तो इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पहले से ही जो गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और क्लॉक जो आता था वही वाला आता है। इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए। तो इसमें और कुछ अच्छी चीज़ों की बात किया जाए तो इसमें हैज़र्ड स्विच का ऑप्शन आता है, जो कि इस सेगमेंट के गाड़ियों में नहीं आता। और इसका जो फिट एंड फिनिश लेवल है वो भी इस सेगमेंट का काफ़ी बढ़िया है। होंडा की गाड़ी है तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। तो दोस्तों, इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक सिंगल डिस्क वाले और एक डबल डिस्क वाले। सिंगल डिस्क वाले जो वेरिएंट आता है उसमें पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और दोनों की प्राइसिंग की बात किया जाए तो लगभग आपको एक शोरूम डबल डिस्क वाले का 1,25,000 के करीब चला जाएगा, और जो सिंगल डिस्क वाला है वो लगभग 1,20,000 के करीब जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो डिस्क आता है वो फ्रंट में पेडल डिस्क है सिंगल चैनल ABS के साथ 276 mm, और पीछे जो डिस्क आता है वो 220 mm का आता है। और इसके ड्रम ब्रेक की वेरिएंट की बात किया जाए तो इसमें भी फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक आता है विथ सिंगल चैनल ABS, और पीछे जो ड्रम आता ही है इसमें ब्रेक कैलिबर साथ है निसिन के। तो दोस्तों, इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात किया जाए तो इसके फ्यूल टैंक आता है 12 लीटर्स के, जिसके हिसाब से देखें तो इसके माइलेज के हिसाब से टैंक रेंज बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका माइलेज पहले से ही लगभग 50 के करीब दे देता था। तो अब फ्यूल इंजेक्शन आ गया है तो और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके टायर्स के बारे में बात किया जाए तो इसके टायर्स फ्रंट में जो आता है वो 80x117 inches के अलॉय के साथ आता है, और पीछे जो आता है वो 130x70 वो भी 17 इंच के अलावा के साथ ही आता है। और इसका जो चेन है वो मतलब कि ड्राइव चेन, वो ओरिंग वाला चेन दिया गया है। तो इसका डायमेंशंस की बात किया जाए तो इसका व्हील बेस है 1347 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, कार्बो वेट है इसका 144 kg का, और इसका हाइट है 1115 mm। बात किया जाए इसके स्टाइलिंग के बारे में तो इसका स्टाइलिंग एक रोबोटिक लुक से इंस्पायर्ड है। आप सब तो इसके स्टाइलिंग से फैमिलियर ही होंगे। BS4 और BS6 में स्टाइलिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। वही फ्रंट में LED हेडलाइट और पीछे भी LED टेल लैंप आता है अभी भी, और इंडिकेटर BS4 की तरह ही जो हेलोजन वाले आते थे वही वाला आता है। तो दोस्तों, आखिर में अब बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस के बारे में। इसमें टोटल 4 कलर ऑप्शंस मिलेगा। कलर आपको स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा। तो चलिए, इसी के साथ यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करते हैं। सीट बेल्ट पहनिएगा, हेलमेट का यूज़ कीजिएगा और सुरक्षित रहिएगा।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।